हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग, इवनिंग हो चुकी है। अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना है और राम का हमें पिक्चर वगैरह क्लिक कराना था क्योंकि कल उसका एडमिशन होना है उसके लिए। और अभी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी शक्ल हो रखी है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। सो आज मेरा बर्थडे भी है, सो मैंने अभी शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज सुबह से मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत सारे क्लाइंट्स वगैरह थे जिसकी वजह से। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो राम की पिक्चर क्लिक हो गई, कैसी थी? मज़ा आया? हाँ। अभी क्या कर रहे हो? इधर उधर उधर नहीं, उधर गर्दन मत हिलाना, गर्दन हिलाओगे तो फोटो नहीं खींचेगी। बस सीधे करो, कैमरा देखो। रेस लगा रहे हो क्या मेरे साथ? ओके राइट गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैं घर आई हूँ। तो ये लोग मेरे लिए सरप्राइज प्लान किए हुए थे, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। ये देखो, उन्होंने सब डेकोरेट वगैरह करके रखा था, ये अभी नीचे गिर गया है बलून्स वगैरह लगा के। तो ये प्लानिंग जो है ये मेरी दोनों सिस्टर्स की थी, लाइक खुशी और श्रद्धा। श्रद्धा यहाँ नहीं है, श्रद्धा झांसी में है, बट उसने वहाँ से मेरे लिए सरप्राइज प्लान करवाया है। सो श्रद्धा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच। एंड सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, श्रद्धा, मम्मी, खुशी, पापा, सभी लोग इन्वॉल्व थे। तो ये बर्थडे एक्चुअली उन्होंने, मेरा कोई प्लान नहीं था मनाने का। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे वीडियो भी बनाना है, आप लोगों के साथ में शेयर भी करना है, तो बहुत जल्द करूँगी शेयर आप लोगों के साथ में। मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, जो मंथली प्रॉब्लम होती है वो भी था, तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। ये था कि हाँ शाम में कहीं खाना खाने चले चलेंगे, बट ऐसा कुछ था ये मेरे को पता नहीं था। इन्होंने केक वगैरह मंगा के रखा है, डेकोरेशन वगैरह करके रखी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ही बोला कि चलो ठीक है, हम सब आज बाहर चलते हैं, खाते पीते हैं, कुछ इन्जॉय करते हैं। क्योंकि राम भी काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मम्मा मेरे को पार्टी में जाना है, तो मैंने कहा चलो उसका भी मन बहल जाएगा। मैंने आज ये मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, मम्मी ने बोला मुझे ये पहनने के लिए। मैं एक्चुअली दूसरी साड़ी पहन गई थी क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था। आपने देखा मैं कितनी सिंपल थी, एकदम रेगुलर जो मेरी साड़ियाँ होती कॉटन की वो पहन के आई थी। फिर जब यहाँ आई, जब मुझे पता चला कि नहीं सरप्राइजेज़ वगैरह हैं, सो आई वॉज़ लाइक कि चलो ठीक है, करते हैं, सबका मन रख लेते हैं। तो मैंने मम्मी की साड़ी पहनी हुई है और बहुत ही सिंपल सा एक लुक अपने आप को दिया है। एंड आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं फुल लुक आपको दिखा दूँगी रेस्टोरेंट पहुँच के। तो चलिए चलते हैं अंदर, भी सब लोग रेडी हो रहे हैं तो आपको दिखाती भी हूँ। ग्राम भी रेडी हो चुका है, मम्मी, खुशी सब रेडी हो रहे हैं, दिखाती हूँ। ये देखो खुशी, ये रही मम्मी, मम्मी भी आओ। मैंने सेम कलर पहना है, ऑरेंज है ना, ये देखो सेम कलर लग रहा है, हम दोनों ने सेम पहना है आज। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आपको पसंद आएगा। चले राम भैया, चलो चलो चलो। राम आगे कह रहा मैं आपको हरा दूंगा, है ना? मैं खुशी के साथ हूँ, ये इतना आगे लेके चला, मैं फोटो भी हरा दूंगी। अरे हार गए अरंट से, खुश कितना है। हमारे यहाँ देवी जी जा रही है, नवदुर्गो की तैयारी यहाँ शुरू हो गई है। हमारे यहाँ नवदुर्गे बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं।
वीडियो बन रहा है, रुक जाओ वन गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी अभी नहीं दीजो क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूं। सफाई, यहाँ भी तुम्हारी सफाई शुरू हो गई है? घर पे भी करेगा, यहाँ भी सफाई? माई खुशी ने पॉटी कर दिया है दीदी, पूरा थाली गिरा ली। देखो मेरे यहाँ नीचे, देखो मेरे उसमें भी गिरा दी था, साड़ी में भी। हाँ, ये हमारा खाना चल रहा है सबका। पापा बहुत अच्छा, बेटी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। मम्मी तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको? एक नंबर है। तो बाबर्ची को थैंक यू बोलो, मैंने थोड़ी बनाया है। राम भैया खाना कैसा था? खाना कैसा था? ये तुम एक नंबर, और तुम पीछे, खाना कैसा था? ड्रेस पूछो। बेचारी की ड्रेस खराब हो गई। हाँ ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल दिए घर के लिए। पार्टी खत्म हो चुकी है और अब सीधे घर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? मजा आया कितना? फोन मेरा वहीं छोड़ा आया था। कहाँ? वहीं यहाँ देखते देखते वहीं केबिन में छोड़ आया था। फिर गए नहीं वो, खराब का फोन है क्या? फोन तेरा कोई चुरा ले, चोरी नहीं हो रही, चोरी नहीं हो रहा। सोच लो आपका बर्थडे होगा, पापा का बर्थडे होगा, मेरा बर्थडे भी आएगा। गाय पार्टी खत्म हो गई है और सीधा उन्हें घर पहुंच गए हैं, और हम ना और हम भाभी बांदा गए थे और हम अभी आ गए हैं छोरों से। अभी हम थोड़ी देर में आए, अभी आया हूँ, और मामा को बुला ले। ऑलराइट गाइस, तो भी आ चुकी हूँ मैं घर, अब चेंज वगैरह कर लेती हूँ। चेंज वगैरह करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी। हाँ अच्छा गाइस, पार्टी खत्म हो गई, अब हम लोग घर आ गए हैं, अब हम लोग आप लोगों से थोड़ी देर में बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सुबह हो चुकी है, कल रात में ब्लॉग का एंड करना भूल गई थी मैं, सो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंडिंग कर दूँ मैं। एंड आई होप कि आपको मेरा ये बर्थडे ब्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अब इसी के बाद से मैं दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करूँगी एंड ब्लॉगिंग अब मैं कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत वैसे वाले मैसेजेस भेजे उन्होंने, एकदम टचिंग वाले। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं क्यों इतना अपडेट नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। सो यहाँ चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।